हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी इट्स ऑलमोस्ट 9 o'clock इन द इवनिंग और आज पूरा दिन कुछ शूट नहीं किया, लेकिन आज क्योंकि कुछ था नहीं करने के लिए, बस इट वॉज नॉर्मल लाइफ, तो सोचा क्यों शूट करूँ, क्यों वो चीज़ अपलोड करूँ, इट्स नॉर्मल, राइट। तो इन द एंड जब घर पे गया, मैं थोड़ा बहुत घूमने के बाद जब मैं घर पे गया, तब मेरी वाइफ ने कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है रात में, तो अभी मैं बस एक फ़ैन बाय करने के लिए आता है कैनेडियन टायर में, इफ़ यू गाइस कैन सी। तो बस अभी यहाँ से मैंने एक डायसन का फैन बाय किया है, तो अभी घर जाके चेक करेंगे, उसको अनबॉक्स करेंगे एंड देन लेट्स सी कि वो उसका क्या क्वालिटीज़ है। डायसन है तो आई थिंक इट शुड बी गुड। इफ़ इट वॉज वैक्यूम, अगर वैक्यूम होता तो मैं टिनेको प्रीफर करता, जो कि आई थिंक मैंने पहले वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने टिनेको बाय किया, या फिर अब तक मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं किया है जब ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो कि वो वीडियो कभी रिलीज होगा, तो मे बी वो वीडियो आप लेटर ऑन देखेंगे या मे बी आप देख चुके होंगे, बट लेट्स सी ये डायसन का फैन कैसा है, उसकी क्या क्वालिटीज है। आ चुके हैं घर पे और फैन यहाँ पे जैसा कि आपने देखा सैनिटाइज करके यहाँ पे रखा है स्प्रे करके, और अभी थोड़ी भूख लगी है तो पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद डायसन को ओपन करेंगे और उसके फीचर्स धीरे धीरे जैसे मालूम पड़ता है, मैंने कोई भी फीचर्स ऑनलाइन देखे नहीं है अभी तक, बट जो चीज़ें सीधा ओपन करके ही हम खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं वो फीचर्स मैं आपको बताऊँगा। अब हमारे पास खाने में है नूडल्स और नूडल्स के साथ है वाटरमेलन जूस। बस अब इसकी असेंबलिंग हो गई है, बस इसको विस्तार करके देखते हैं कितना पावरफुल इसका फ़ैन है। ये इसका रिमोट, बस अभी मैंने ये बटन दबाया जो ऑन का बटन है, लग तो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इसका पावर है फैन का। ये बटन है स्विंग का, लेट्स सी कितना ये स्विंग होता है, कितने डिग्रीज पे स्विंग इसका है काफ़ी। ये मैक्सिमम 9 आवर्स तक इसको तुम टाइम सेट कर सकते हो। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमने एक डायसन फैन बाय किया है, जिसका रिव्यू भी मैंने दिया था, बट ऑनेस्ट रिव्यू आज मिल रहा है, अभी मिल रहा है। हमने लगाया डायसन फैन हमारे रूम में क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, और एट द एंड हमें क्या जुगाड़ बिठाना पड़ा। ये है डायसन फैन और ये है दूसरा, ये है $20 वाला फ़ैन जो हम लेके आए थे वॉलमार्ट से, और ये डायसन जो हम कल लेके आए थे कैनेडियन टायर से फॉर $350। अगर मैं $350 के ये ऐसे फ़ैन बाय करूँ तो शायद मेरे पूरे घर में कभी भी पूरी ज़िंदगी में गर्मी नहीं लगेगी, और उसका पावर भी ये जो $20 वाला फ़ैन है उसके कंपेयर में ज़्यादा नहीं है। सो आई थिंक आज हम उसको रिटर्न कराएंगे, और काफ़ी गंदा एक्सपीरियंस है डायसन का। ऑफकोर्स ये मैंने वन ऑफ द चीपेस्ट बाय किया था, तो हो सकता है कि इसका जो बेटर वर्जन हो उसमें शायद कूल का ऑप्शन हो। आई थिंक आई नो कि उसमें कूल का ऑप्शन होगा, क्योंकि बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स में भी दिखाते हैं कि डायसन में हीटिंग और कूलिंग का ऑप्शन है, जबकि ये वाले फ़ैन में नहीं है, क्योंकि दिस वाज वन ऑफ द चीपेस्ट वन। तो मैं इसको रिटर्न करा दूंगा और मे बी आई मैट डायरेक्टली गो फॉर दी AC। हमने रिसेंटली घर बाइक किया है तो प्लान ऐसा था कि AC का खर्चा ये साल नहीं करते, सिर्फ एक फ़ैन ले लेते हैं एंड लेट्स कीप द AC फॉर द नेक्स्ट ईयर, बट आई थिंक AC यही साल लगानी होगी। तो रिटर्न कराने तो हम जाएंगे बाद में, लेकिन उसके पहले जस्ट अभी उठे हैं, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2:15 आफ्टरनून के, और वेदर हो रहा है काफ़ी अच्छा, काफ़ी गर्म है, कल भी काफ़ी गर्म था बट आज उससे भी ज़्यादा गर्म है, तो हम रिटर्न बाद में कराएंगे, पहले चाय नाश्ता करते हैं। अब जब हम इतना लेट उठते हैं तो हमारे चाय और नाश्ता सब रेडी रहता है, बस हमें खाना ही रहता है और कुछ नहीं,
तो हमारे लिए आज नाश्ते में बनाई गई है भुर्जी और चाय हमारी रेडी है माइक्रोवेव में, ये रही, बस उसको गर्म करके पी लो प्रॉपरली। सब चीज़ रेडी है, बस अभी खाना है। अभी एक्चुअली मेरी वाइफ की ब्रेक होगी तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ, उसका ब्रेक होगा आई थिंक 10 मिनट में, तो मैं और मेरी वाइफ दोनों साथ में ही नाश्ता कर लेंगे। हमारा नाश्ता है रेडी, फाइनली मैडम आ चुकी है नाश्ता करने के लिए और टीवी में बेहतरीन गाने और साथ में ही चाय के मज़े लिए जाएंगे। अब शाम के 8 बज चुके हैं और हमने सारी चीज़ें जो लेनी थी ले चुके हैं, अब बस थोड़ा सा ये बियर्ड को थोड़ा शेप दे देंगे और नहा के फिर होपफुली 9 बजे तक निकल जाएंगे और शायद डिनर भी करके ही निकलेंगे क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट डिनर टाइम एज वेल, और जस्ट इन केस अगर नींद आती रहेगी क्योंकि 2.5 घंटे का रास्ता तो बीच में से कॉफ़ी भी ले लेंगे। अभी हमने पहला स्टॉप लिया है यहाँ पे आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 आवर। हम अभी यहाँ पे है डेविडसन करके एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे अब हमें ऑन द रन करके एक स्टोर है जहाँ पे गैस स्टेशन भी है यहाँ साथ में और कन्वीनियंस स्टोर भी है, तो अगर आपको कुछ खाना हो या फिर गैस भराना हो तो सब कुछ एक साथ कर सकते हो। बहुत ईजी चीज़ है ये, बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है ये, और अगर ऐसी चीज़ें ज़्यादा रोड पर रहती है तो ट्रैवलर्स को बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। अभी प्रॉब्लम ये हो चुका है कि अभी मैं आया हूँ मेरे भाई की गाड़ी में, मेरे कज़िन के कार में, और मेरा मास्क मेरे कार में रह चुका है, तो अभी अंदर मेरा कज़िन ही गया है और मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ, वो बस बाय कर रहा है, वो अंदर जाके मेरे लिए मास्क ढूंढ रहा है। अभी जैसे ही मास्क मिलेगा उसके बाद मैं अंदर जाऊँगा, और अभी यहाँ से हम कॉफ़ी उठा के जाएंगे क्योंकि खाना तो हम घर से पहले ही खा के आए थे, तो 1 घंटे का रास्ता है और हम लोग ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे, हम लोग नॉर्मल स्पीड पे ही जा रहे क्योंकि वैसे भी वहाँ जाके कुछ करना है नहीं, सिर्फ सो जाना है। अभी हम आए यार टिम हॉर्टन्स में और हमने ऑर्डर किया है कुछ चिल्ड चीज़, मुझे पता नहीं क्या ऑर्डर किया है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर मेरे प्रीवियस व्लॉग में, मैंने शायद आपको एक बार बताया था, यूजुअली मेरा कज़िन मेरे लिए ऑर्डर करता था, तो यही कज़िन है जो मेरे लिए हर बार ऑर्डर करता था, और इसने आज सेम चीज़ किया, कुछ अच्छा ऑर्डर किया, तो मैंने भी वही कहा कैन आई गेट द सेम थिंग। और जब ये मास्क बाय कर रहा था कन्वीनियंस स्टोर से तो आजू बाजू में और कोई स्टोर्स है नहीं, तो यहाँ की प्राइस बहुत ही ज़्यादा थी, तो हमने प्रीफर किया कि हम यहाँ टिम हॉर्टन्स में आके इसके एम्प्लॉय से पूछ लेते अगर इनके पास कोई एक्स्ट्रा मास्क हो या यूज़ एंड थ्रो मास्क हो अगर वो मिल जाए तो टिम हॉर्टन्स वाले यू नो अच्छे, काफ़ी अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने ये वाला मास्क दे दिया और इसके लिए कुछ चार्ज भी नहीं किया। साउथ सिटी में एंटर हो चुके हैं, बस अभी डेस्टिनेशन भी ऑलमोस्ट 400 मीटर्स में ही है और काफ़ी लेट हो चुका है, तो आई डोंट थिंक सो घर नहीं, वो एयरबीएनबी है बेसिकली, तो वहाँ पे जाके कुछ शूट नहीं कर पाऊँगा अभी। बस अब हम पहुँच चुके हैं एयरबीएनबी वाले घर में और मेरा जो कज़िन साथ में आया था वो ऑलरेडी जा चुका है घर पर, हमने एक्चुअली थोड़ी दूर गाड़ी पार्क कर ली थी, तो थोड़ा सा अभी गाड़ी आगे लेके आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। बाय बाय।